हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई का अफ़गानिस्तान से मुतालिक इजहार ख्याल। आपने फरमाया कि अफ़गानिस्तान में हम वहाँ के अवाम के साथ हैं। अफ़गानिस्तान की आइंदा हुकूमत से हमारे ताल्लुकात की नौवियत का इंसार हमारे साथ उसके बर्ताव पर है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान हमारा बाही, एक ज़बान, एक सकाफत और एक मज़हब मुल्क है। अफ़गानिस्तान के मसाइल और मुसीबतें इंसान के लिए तकलीफ देह असर रखती हैं। उन्होंने कहा कि यह सब अमेरिका की दरा है। वहाँ की आवाम को दरपेश मुश्किलात और हवादिस जो वहाँ एक के बाद एक पेश आ रहे हैं, और अभी भी जुमेरात का हादसा और आवाम का कत्ल आम, ये सब अमेरिका का काम है। उन्होंने कहा कि 20 साल तक इस मुल्क पर कब्जा किए रखा और एक कदम तक अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए नहीं उठाया और तरह तरह के मुजालम को वहाँ के अवाम पर अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि शादी व अज़ा की महाफिल पर बमबारी, बेगुनाह अफराद को जेलों में रखना, मनशियात की पैदावार को दसियों बराबर ज़्यादा करना अफ़गानिस्तान में, इन सब कामों का अमल अमरीका है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में हम वहाँ के अवाम के साथ हैं। माजी की तरह हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, ये वहाँ के अवाम है जिन्होंने वहाँ बाकी रहना है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की आइंदा हुकूमत से हमारा ताल्लुकात की नौवियत का इन्हिसार हमारे साथ उसके बर्ताव पर है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाअल्लाह मिल्लत अफ़गानिस्तान को बेहतरीन हालत में करार दे।